वेलकम एस्पिरेंट्स वेलकम टू गुरुकुल एग्री माई नेम इज अक्षित मेहता और आज हम डिस्कस करेंगे जो एम सी क्यूज पूछे गए थे इफको के मेन्स में जो अभी सैटरडे को एग्जाम हुआ था उसमें जो मेन्थ्स में क्वेश्चन आए थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन में आपने क्या है बताना है ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा उसका आंसर क्या होगा फिर उसके बाद देखेंगे उसका सही आंसर क्या था ठीक है स्टार्ट करते हैं पहले ये बता दो मेरी वॉइस ऑडिबल है ना सबको मेरी वॉइस एक्सपीरियंस स्टार्ट करें और यस ओके ठीक है तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट क्वेश्चन होगा तो आपने कैसे अटेम्प्ट करना उसको क्वेश्चन फर्स्ट उसका सही ऑप्शन ए बी सी या डी जो भी सही आपको लगता है वो वाला ऑप्शन और क्वेश्चन का नंबर स्टार्टिंग में तो ठीक है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था इसको मेन्स में क्या था वो विच ऑफ द फोलिंग न्यूट्रिय रिलेटेड टू डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट की बात कर रहा है और क्या पूछा किस uh, की वो न्यूट्रिएंट किस चीज से रिलेटेड है डिजीज से डिजीज रेजिस्टेंस से रिलेटेड है तो ऑप्शन आपको दिए गए थे ऑप्शन uh, ए था आपके पास फोस्फोरस ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑप्शन सी पोटेशियम या फिर ऑप्शन डी मैग्नीशियम तो इसका सही आंसर क्या है डिजीज रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था न्यूट्रिएंट का पूछा हुआ था कौन सा न्यूट्रिएंट है जो रोल प्ले करता है डिजीज रेजिस्टेंस में ठीक है इसका जो सही आंसर था वो है पोटेशियम तो पोटेशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो रोल प्ले करता है किसमें डिजीज रेजिस्टेंस में ठीक है और उसी से क्वेश्चन पूछा हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कवर्ड स्मार्ट ऑफ से तो कवर्ड स्मार्ट ऑफ इज ऑप्शन ए है इंटरनली सीट बोर्न ऑप्शन बी है एक्सटर्नली सीट बॉर्न ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज तो इसका क्या सही आंसर है आपने कैसे बताना है आंसर आंसर बताना है आपने क्वेश्चन नंबर डाल के और उसके साथ उसका सही ऑप्शन जैसे सेकंड का ए या सेकंड का बी या सेकंड का सी तो जो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नली सीड बोर्न तो इसमें क्या बात किया उसने उसने बात किया कवर्ड स्मट की तो कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले वो क्या है एक्सटर्नली सीड बोर्न है लेकिन जो लूज स्मट है किसकी वीट की वो क्या है इंटरनली सीड बोर्न है ठीक है तो क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए लूज मट डाल देते हैं कवर स्मट डाल देते हैं तो आपको याद रखना है जो कवर स्मट है बार्ले की वो एक्सटर्नली सीट बोर्न है और जो लूज लूसमीट है वो इंटरनली सीट बोर्न है एक्सटर्नली सीट बोर्न है तो हम इसके मैनेजमेंट के लिए भी क्या करेंगे सी ट्रीटमेंट करेंगे राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड क्या पूछा गया था क्वेश्चन पूछा गया था कैल्शियम डेफिशिएंसी इज फर्स्ट ऑब्जर्व इन कैल्शियम की बात किया और उसकी डेफिशिएंसी की बात किया कि कहां पे ऑब्जर्व होती है तो ऑप्शन ए है आपके पास टर्मिनल लीव्स ऑप्शन बी है लोअर लीव्स ऑप्शन सी है ओल्ड लीव्स या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज सर हरियाणा आईडीओ का एग्जाम कब तक होगा हरियाणा आईडीओ का अभी नोटिफिकेशन आई है ठीक है उसके लिए कोर्स भी लाएंगे देखते हैं उसका अभी कब एग्जाम होगा लेकिन जल्दी हो जाएगा तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए टर्मिनल लीव्स तो जो कैल्शियम है और बोरन है जनरली उसकी डेफिशिएंसी किस किसमें मिलती है हमें टर्मिनल लीव्स में मिलती है, है. किसकी कैल्शियम और बोरन की तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कैल्शियम डेफिशिएंसी का पूछा गया था और उसमें पूछा गया था कि वो किसमें ऑब्जर्व मतलब उसके जो डेफिशिएंसी है किसमें ऑब्जर्व होती है वो होती है टर्मिनल लीव्स में राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर जो इफको में पूछा गया था वो था विच अमंग द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिय की बात किया और कौन सा है उनमें से तो ऑप्शन ए है आपके पास पोटेशियम ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑप्शन सी है आपके पास सल्फर और ऑप्शन डी है आपके पास मैंगनीज तो इसका सही आंसर क्या है राजू एक डी अश्वनी शुक्ला एस 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 सल्फर ओकेजा डी हेमिला

283 290 300 145 400 फोर्थ में okay, फिफ्थ पे चल रहे हैं ठीक है आप सब सही लिख रहे हो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था क्या है इसका 283 से 290 डेज बहुत सिंपल क्वेश्चन था गेस्टेशन पीरियड ऑफ कैटल में से था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन वैरायटी से पूछा शुगर बेबी इज वैरायटी ऑफ वैरायटी की बात कर रहा है शुगर बेबी की और पूछ रहा है है किसकी वैरायटी ऑप्शन ए है आपके पास टोमेटो ऑप्शन बी है वाटरमेलन ऑप्शन सी है शुगर केन या फिर ऑप्शन डी है मेज तो इसका सही आंसर है वो है वाटरमेलन शुगर बेबी जो किसकी वरायटी है वाटरमेलन की और क्या स्वीट वराइटी है इंपॉर्टेंट वराइटी है क्वेश्चन सेवन्थ जो पूछा गया था इफको मेंस में वो पूछा था इन सोयल

आपने आंसर बताने हैं क्वेश्चन का नंबर डाल के सेवन और उसका सही ऑप्शन ए है बी है सी है या डी है तो किसकी बात की है इसने रेंज ऑफ अवेलेबल वाटर की तो इसका सही आंसर क्या होगा राजू नायक ने ए लिखा है साहिल ने बी अश्वनी बी साहिल बी ठीक है प्रणय बी विमल बी ठीक है आप सब सही लिख रहे हो तो जो जो अवेलेबल वाटर की रेंज होती है वो कितनी होती है माइनस वन बाई थ्री टू माइनस फिफ्टीन बार्स तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था इसको में नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था फ्रूट क्रॉप से रिलेटेड फ्रूट क्रॉप आल्सो नोन एज एडम स्पिग तो एडम स्पिग की बात की थी और पूछा था कि ये कौन से फ्रूट को बोलते हैं तो ऑप्शन ए है आपके पास एप्पल ऑप्शन बी आपके पास मैंगो ऑप्शन सी है बनाना ऑप्शन डी है गावा तो एडम स्पिग हम किसे बोलते हैं विमल कुमार सी हेल्मियो सी बनाना सी सी ठीक है आप सब सही लिख रहे हो तो

हेलीमा नाइन्थ ए विमल कुमार सी ए सी सी ठीक है तो जो इसका साइंटिफिक नेम है वो क्या है बोथ ऑप्शन ए एन ऑप्शन बी तो जो ओराइजा ग्लेबिरिमा है ये किसका है ये बेसिकली अफ्रीकन राइस का है राइट तो साइंटिफिक नेम का पूछा था तो वो क्या है ओराइजा सेटाइवा भी है और ओराइजा ग्लेबिरिमा भी है राइट क्वेश्चन क्वेश्चन पैथो में से था क्या क्वेश्चन था डाउनी मेल्डी ऑफ पी इज कोस्ट बाई डाउनी मेल्डो की बात की है किसकी पी की और उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछा था ऑप्शन ए आपको दिया गया था वो दिया गया था एरिसिफ है ऑप्शन बी था आपके पास फुजेरियम ऑक्सिस्पोरियम फॉर्मेपीज पाइसाई ऑप्शन सी था आपके पास पर्नोस्पोरा पाइसाई और ऑप्शन डी था आपके पास नन ऑफ दीज किसकी बात कर रहा है डाउनी मेलडी ऑफ पी की तनुजा ने लिखा है ए अश्वनी सी हेलीमा सी साहिल सी विमल ए ठीक है तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पर्नोस्पोरा पाइसी तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पर्नोस्पोरा पाइसी जो एरिसिपी पॉलीगोनी है इससे क्या होती है पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज होती है और जब फज़ेरियम ऑक्सिसफोरियम है वो किसके लिए रिस्पांसिबल है वो विल्ट के लिए रिस्पांसिबल है तो क्वेश्चन किसका पूछा था डाउनी मिल्ड्यू का पी में तो वो किससे होती है परनोस्पोरा फाइसाई तो एक चीज और इंपॉर्टेंट नोट कर लो जो डाउनी मिल्ड्यूस है जनरली किस ऑर्डर से होती है परनोस्पोरेल्स तो डाउनी मिल्ड्यू का जो ऑर्डर है वो क्या है बेसिकली एक फंगल डिजीज है कौन से ऑर्डर को बिलोंग करती है स्पोरेल्स को बिलोंग करती है और जनरली इसके मैनेजमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं रिडोमिल का यूज करते हैं राइट क्लियर तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन इलेवंथ जो पूछा गया था वो पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इज सेव फॉर हनी बी हनी बी में था एंटोमोलॉजी से क्वेश्चन था बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में से क्वेश्चन था और पूछा गया था आपसे कि जो इंसेक्टिसाइड है वो कौन सा यूज किया जाता है जो कि सेफ है किसके लिए हनी बी के लिए हमारी एफिश स्पीशीज के लिए राइट right? तो ऑप्शन ए है आपके पास एंडोसल्फान ऑप्शन बी है आपके पास क्लोरोफायरीफॉस ऑप्शन सी है आपके पास डाइक्लोरोफॉस और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज विमल कुमार 11th का ए ए एंडोसल्फान एंडो एंडो ए ए ठीक है आप सब सही लिख रहे हो तो जो सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड है जो कि हम हनी बी यानी कि के लिए यूज कर सकते हैं तो वो कौन सा है एंडो सल्फान क्वेश्चन ट्वेल्थ था विच ऑफ विच डिजीज कोर्स द आयरिश फेमाइन बहुत बेसिक क्वेश्चन था बहुत सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा था आयरिश फेमाइन के बारे में पूछा था और कौन सी डिजीज से वो हुई थी ठीक है आयरिश फेमाइन जो हुई थी तो उसका ऑप्शन ए था आपके पास अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो ऑप्शन बी था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ऑप्शन सी था ब्राउन लीव स्पॉट ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी साहिल ट्वेल्थ का सी विमल बी प्रणय बी अश्वनी सी, ओके। तो जो इसका सही आंसर था वो था ऑप्शन बी लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो राइट तो जो आयरिश फेमाइन हुई थी वो किस डिजीज की वजह से हुई थी वो हुई थी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से किससे होती है ये? फाइटोथोरा इन्फेस्टन से राइट और जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पटेटो है वो किससे होती है ऑल्टरनेरिया आई से। और जो ब्राउन लीव स्पॉट है ये किसकी है ये बेसिकली राइस की डिजीज है किससे होती है ये हेलमिंथोसपोरियम और आइजे राइट इससे क्या हुई थी जो ब्राउन स्पॉट ऑफ लीव है इससे क्या हुआजम क्या है इसका और राइट इससे क्या हुई थी बंगाल थी राइट लेकिन बात किसकी की है इसने इसने बात की है

ऑप्शन सी है आपके पास बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी था आपके पास एरियो, आ, एरियो तो इसका सही आंसर क्या है साहिल डी राजू एक बोथ अश्वनी बी ठीक है तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी तो जो वुली एपल

और ऑप्शन डी आपके पास कैरोटीन तो इसका सही आंसर क्या है साहिल 14 का A, पुतिन B, 14 का ए बी बी तो जो बीट रूट में पिगमेंट होती है वो कौन सी होती है बीटा साइनिन्स विच इज एन फॉर्म ऑफ एंथोसाइन लेकिन इन्होंने क्या स्पेसिफिकली पूछ लिया था तो क्या आएगा बीटा साइनिन्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है डायरेक्टोरेट ऑफ वीट रिसर्च इज लोकेटेड एट वीट रिसर्च के डायरेक्टोरेट का पूछ लिया था उसकी लोकेशन पूछ ली थी वो कहां पे लोकेटेड है तो ऑप्शन ए था आपके पास जयपुर ऑप्शन बी था करनाल ऑप्शन सी है बेंगलोर ऑप्शन डी था शिमला किसकी बात किया डायरेक्टोरेट ऑफ वीट रिसर्च की साहिल बी 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 करनाल ठीक है आप सब सही लिख रहे हो तो जो डायरेक्टोरेट ऑफ वीट रिसर्च है वो कहां पे है करनाल में है नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन सिक्स था क्या पूछा गया था ब्रे सोइल टेस्ट ब्रे सोल टेस्ट इज डन फॉर अवेलेबल फॉस्फोरस इन विच टाइप ऑफ सॉइल तो इसने ब्रे का नाम ले दिया बता दिया कि ये सॉइल टेस्ट है किसके लिए अवेलेबल फॉस्फोरस के लिए वो भी बता दिया लेकिन क्या कंडीशन लगा दी कि ये कौन सी सॉइल्स में यूज होता है तो ऑप्शन ए था आपके पास एसिडिक सॉइल ऑप्शन बी था एल्केलाइन सॉइल और ऑप्शन सी था आपके पास सोडिक सॉइल या फिर ऑप्शन डी था नन ऑफ दीज तो किसकी बात कर रहा है ये ब्रे की तो इसका सही आंसर क्या है प्रणय ए तनुजा एल लाइन साहिल सिक्सटीन का बी ओके तो जो ब्रेट टेस्ट है वो हम किसके लिए करते हैं एसिडिक सॉइल के लिए करते हैं है। लेकिन जो एल के लाइन के लिए यूज करते हैं वो कौन सा है वो है ऑलसेन टेस्ट ठीक है इंपॉर्टेंट है ये नोट डाउन कर लेना जो एसिडिक सॉइल के लिए है, वो कौन सा है ब्रे टेस्ट है क्लियर क्वेश्चन सेवनटीन क्या था विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन यूरिया यूरिया की बात किया और पूछा कि कौन सी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है यूरिया में ऑप्शन ए था आपके पास अमोनियम ऑप्शन बी था नाइट्रेट ऑप्शन सी है अमाइड ऑप्शन डी है नन ऑफ नीस तो यूरिया में कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होती है सी अमाइड सेवेंटीन का सी राजू नायक ए अमाइड अमाइड ठीक है आप सब सही लिख रहे हो तो जो यूरिया में है वो कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होती है अमाइड फॉर्म कोई मुझे बताएगा इसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है? यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है वो पहले 50 केजी का था लेकिन अब क्या है वो चेंज होकर फोर्टी फाइव के 45 का हो गया राइट ठीक है साहिल हिमांशु 46 ठीक 46, 46, है आप साहिए, साहिए, साहिए लिख रहे हो. तो यूरिया में कितने परसेंट होती है नाइट्रोजन होती है फोर्टी सिक्स परसेंट तो क्वेश्चन एटीन था आपके पास वो क्या था विच अमंग फॉलोइंग वीड कोजेज अस्थमा अस्थमा की बात की है और वो कौन सी वीड की वजह से होता है तो ऑप्शन ए है आपके पास चिनोपोडियम एल्बम ऑप्शन बी था आपके पास इचनोकोला स्पीशीज ऑप्शन सी पार्थेनियम स्पीशीज ऑप्शन डी था आपके पास अवीना फतुआ तो किसी किस, किस वीड से बेसिकली क्या हो रही है अस्थमा डिजीज हो रही है एटीन का सी 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 पार्थेनियम ठीक है आप सब सही लिख रहे हो जो पार्थीनियम वीड है बेसिकली वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है? है तो इसका सही आंसर क्या हो गया पार्थीनियम क्वेश्चन नाइनटीन पूछा गया था एलुवियल सोइल से पूछा गया था और क्या क्वेश्चन था एलुवियल सोइल्स आर रिच इन विच न्यूट्रिय बात कर रहा है एलुवियल सोइल की और बात कर रहा है किसकी न्यूट्रिय की कौन सा न्यूट्रिय है जो रिच होता है एलुवियल सोइल्स में ऑप्शन ए था नाइट्रोजन ऑप्शन बी था जिंक सी फॉस्फोरस और ऑप्शन डी क्या है पोटेशियम तो एलिवियल सोइल्स में कौन सा न्यूट्रिएंट रिच होता है

जीनोटाइप टाइप आपको प्रोवाइड कर दिया तो ऑप्शन ए था आपके पास फोर ऑप्शन बी टू ऑप्शन सी नाइन ऑप्शन डी थ्री पुतिन ने फोर अश्वनी सी हिमांशु शर्मा टू सी फोर फोर ठीक है तो जो ऑप्शन बी लिख रहे हैं टू वो बिल्कुल सही लिख रहे हैं बाकी सब नहीं सही तो ऑप्शन जो सही है वो है बी तो इसने किसकी बात की है? इसने बात किया गैमेट्स की राइट right? और जीनो टाइप आपको क्या दे दिया डबल ए बी बी सी सी तो इसमें कौन से गैमेट्स बनेंगे ए बी सी और कैपिटल ए स्मॉल बी और सी तो ये टू टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे बेसिकली इस जीनो टाइप से तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर हो गया टू

तो कॉटन जो होती है वो किससे होती है zinc की deficiency से होती है, राइट right? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था क्वेश्चन ट्वेंटी टू भी से पूछा गया था क्या था मार्च स्पॉट की कर रहा है और क्या उसकी डेफिशिएंसी के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन ए है आपके पास जिंक ऑप्शन बी आयरन ऑप्शन सी कॉपर और ऑप्शन डी है मैंगनीज तो क्वेश्चन ट्वेंटी टू का सही आंसर क्या है भीम ए तनुजा MN एन हिमांशु एम साहिल ट्वेंटी टू का डी ठीक है आप सब सही लिख रहे हो बेसिक क्वेश्चन था किसकी डेफिशिएंसी से होता है ये मैंगनीज डेफिशिएंसी से क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री था विच हार्मोन इज यूज्ड फॉर डीग्रीनिंग डीग्रीनिंग की बात करा और किसका पूछ लिया हार्मोन का पूछ लिया कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है डीग्रीनिंग के लिए तो ऑप्शन ए था आपके पास इथाइलिन ऑप्शन बी था ऑक्सिन ऑप्शन सी ए बी एसिड या फिर ऑप्शन डी ट्रिपल सी यानी कि साइकोसेल तो इसका सही आंसर क्या था क्वेश्चन ट्वेंटी का इथाइलिन इथाइलिन ठीक है आप सब सही लिख रहे हो तो जो इथाइलिन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? है राइट क्वेश्चन ट्वेंटी फोर था अकॉर्डिंग टू आई ट्रिपल एस पार्टिकल साइज ऑफ फाइन सैंड इज किसकी बात कर रहा है आई ट्रिपल एस की बात कर रहा है और किसका पूछ रहा है उसमें से फाइन सैंड का पार्टिकल साइज पूछ रहा है तो ऑप्शन ए था आपके पास जीरो ऑप्शन बी था, 222, था .022, ऑप्शन सी था .022.02 और ऑप्शन डी था आपके पास 2. तो अकॉर्डिंग टू आईएसएस पार्टिकल साइज़ किसका पूछा है? फाइन सैंड का. तो इसका सही आंसर क्या है? हिमांशु शर्मा 0.22 0.02 सी 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 सी. ठीक है. आप सब सही लिख रहे हो. तो ये किसका साइज़ होता है? ये होता है फाइन. Sand का राइट right? और अगर इसकी बात करूं तो ये किसका होता है जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो टू तो ये किसका हो गया क्ले का और जीरो पॉइंट जीरो टू टू किसका हो गया सेंट का और ये आपने बताई दिया फाइन सेंट राइट नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव जो पूछा गया था हु इज द फाउंडर ऑफ पंचायती राज सिस्टम तो पंचायती राज सिस्टम में से भी तीन चार क्वेश्चन पूछे गए थे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था फाउंडर ऑफ पंचायती राज किनको कंसीडर किया जाता है तो ऑप्शन ए है आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी है आपके पास महात्मा गांधी ऑप्शन सी आपके पास के, केसी मेहता और ऑप्शन डी आपके पास नन ऑफ ऑफ तो फाउंडर पंचायती राज कौन थे साहिल ट्वेंटी फाइव का ए तनुजा जवाहरलाल नेहरू अश्वनी ए ठीक है आप सब सही लिख रहे हो तो जो पंचायती राज सिस्टम के जो बेसिकली फाउंडर थे वो कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वाज अर्ली जमीदार अर्ली जमीदार में से क्वेश्चन पूछा गया था और कौन थे ऑप्शन ए था आपके पास अमीर चंद ऑप्शन बी था बिरजू ऑप्शन सी था था आपके पास अनवर या फिर ऑप्शन डी भाई विकास ए ए अश्वनी ठीक है आप सब सही लिख रहे हो तो जो अर्लिया जमीदार थे वो कौन थे अमीर चंद राइट नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन जो पूछा गया था वो पूछा गया था वो फिर पंचायती राज से पूछा गया था तो क्वेश्चन क्या था पंचायती राज वाज फॉर्मड

तो जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी बेसिकली वो उन्होंने क्या रेकमेंड किया था पंचायती राज और उन्हीं की रेकमेंडेशन पे पंचायती राज बनी थी, right? तो इन्होंने क्या किया था टायर सिस्टम दिया था जिसमें क्या था एक विलेज लेवल सेकंड लेवल किसे था ब्लॉक लेवल और थर्ड लेवल कौन सा था डिस्ट्रिक्ट लेवल राइट तो इन्होंने थ्री टायर सिस्टम सजेस्ट किया था पंचायती राज का और जो अशोक मेहता थे उन्होंने क्या किया था टू टायर सिस्टम बेसिकली रेकमेंड किया था तो जो किसकी रेकमेंडेशन पे बना है बलवंत राय मेहता जी की रेकमेंडेशन पे बना है और उन्होंने क्या थ्री टायर सिस्टम दिया था विलेज लेवल पे ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे राइट नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन वाज पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया तो पंचायती राज से काफी सारे क्वेश्चन थे क्वेश्चन क्या पूछा गया राज कब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था तो ऑप्शन ए है आपके शु नाइनटीन फिफ्टी नाइन तनुजा ठीक है आप सब सही लिख रहे हो तो पंचायती राज सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में वो हुआ था नाइनटीन फिफ्टी नाइन में किसकी पे कौन सी कमेटी की बलवंत राय मेहता राइट क्वेश्चन ट्वेंटी अवेलेबल टू प्लांट्स किसकी बात करा और उसने क्या दे दिया सोइल पीएच दे दी कि कौन सी सोइल पीएच पे जो फोस्फोरस है वो अवेलेबल होता है प्लांट्स को तो ऑप्शन ए था आपके पास फाइव टू सिक्स पी ऑप्शन बी है सिक्स टू सेवन ऑप्शन सी है सेवन टू एट पॉइंट फाइव या फिर ऑप्शन डी आपके पास थ्री साहिल ट्वेंटी आप सब सही लिख रहे हो तो जो फॉस्फोरस है वो किस पीएच लेवल पे अवेलेबल होती है वो होती है टू राइट अगर पीएच इससे कम जाएगा तो वो कौन फिक्स कर देगा सोइल में आयरन उसको बेसिकली फिक्स कर देगा और अगर पीएच एट से ज्यादा जाता है तो उसे कौन कर देगा कैल्शियम फिक्स कर देगा तो जो फॉस्फोरस है वो बहुत ईजिली फिक्स हो जाती है अगर एसिडिक सोइल हो तो जनरली आयरन उसको फिक्स कर देता है और एल्केलाइन

ऑप्शन सी था आपके पास 1957 या फिर ऑप्शन डी था आपके पास 1980 एटी विमल कुमार बी सर ये नहीं था क्वेश्चन में देखो क्वेश्चंस का ऐसे है जो मुझे मिले हैं वो मैं आपको बता रहा हूं तो दो शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ था

हिमांशु 1968 साहिल 31 का ठीक है आप सब सही लिख रहे हो तो जो इंसेक्टिसाइड एक्ट आया था वो कब आया था 1968 में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था गैस्ट्रेशन पीरियड ऑफ बफेलो से तो बफेलो का जो गैस्ट्रेशन पीरियड है वो पूछा गया था ऑप्शन ए था आपके पास टू मंथ टू डेज ऑप्शन बी था नाइन मंथ नाइन डेज ऑप्शन सी था ऑप्शन डी था आपके पास टेन मंथन डेज तो गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो क्या है तनुजा डी ओके साहिल थर्टी टू का बी ओके तो जो गेस्टेशन पीरियड बफेलो का है, वो होता है ऑप्शन डी टेन मंथ्स प्लस टेन डेज राइट और जो टू मंथ्स, टू डेज होता है किस किसमें होता है ये डॉग में होता है और जो बफेलो में होता है वो कितना होता है टेन टेन डेज नाइन मंथ नाइन डेज किस में होता है अपने कैटल में और फाइव मंथ फाइव डेज किस में, होता है? शीप में राइट तो किसका पूछा पूछा था का था बफेलो तो बफेलो का का तो क्या आ गया टेन मंथ्स टेन डेज तो ऑप्शन डी क्या हो गया सही हो गया राइट क्वेश्चन थर्टी थ्री पूछा था दर नेम ऑफ सप्लिनिक फीवर डिजीज इज सप्लिनिक फीवर डिजीज जो है उसका अनादर नेम क्या है तो ऑप्शन ए था आपके पास एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज ऑप्शन बी है आपके पास ट्यूबरकुलोसिस ऑप्शन सी एंथ्रेक्स ऑप्शन डी मैस्टैटिस तो इसका सही आंसर क्या है विकास डी विमल डी अमन डी ठीक है तनुजा एंथ्रेक्स साहिल सी पुतिन सी हिमांशु सी विकास सी ठीक है आप सब सही लिख रहे हो तो जो स्प्लेनिक फीवर है वो किसका अदर नेम है वो है

हिमांशु शर्मा वीट साहिल बी पुतिन बी तनुजा वीट विकास डी अमन बी रंजीत सी तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी तो जो कॉपर डेफिशिएंसी है उसके लिए जो इंडिकेटर प्लांट है वो कौन है वो है हमारा वीट शुगर बीट किसके लिए सोडियम के लिए कॉलीफ्लावर किसकी डेफिशिएंसी के लिए नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के लिए और प्लांट्स जनरली किसकी डेफिशिएंसी के लिए कंसीडर किया जाता है आयरन डेफिशिएंसी के लिए लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा राइट नेक्स्ट था रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन बहुत सिंपल क्वेश्चन था जनरल क्वेश्चन था क्या पूछा है रॉबर्ट हुक के सेल की डिस्कवरी कब की थी ऑप्शन ए था आपके पास सिक्सटीन सिक्सटी फाइव ऑप्शन बी 1775 ऑप्शन सी 1885 ऑप्शन डी 1865 हिमांशु 1665 साहिल डी ठीक है आप सब सही लिख रहे हो तो जो रॉबर्ट हुक ने क्या पूछा था सेल की डिस्कवरी कब की थी वो कब की थी 1665 में बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेसिक क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन 36 Which of the following nutrient is deficient in milk? तो मिल्क में ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो डेफिशिएंट है तो ऑप्शन ए था आपके पास फॉस्फोरस ऑप्शन बी आयरन ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी था ऑफ़ साहिल 36 का बी तनुजा आयरन हिमांशु आयरन रंजीत सी ठीक है आप सब सही लिख रहे हो तो जो एलिमेंट जो डेफिशिएंट होता है मिल्क में वो कौन सा होता है आयरन राइट और क्या डेफिशियंट डेफिशिएंट हो, होता है मिल्क में मिल्क में विटामिन डेफिशिएंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं एसकॉर्बिक एसिड राइट विटामिन सी को और क्या बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड तो हो सकता है आपसे विटामिन सी छोड़ के एस्कॉर्बिक एसिड नाम दे दे आपको तो उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए तो मिल्क किस किस में डेफिशिएंट होता है विटामिन सी या फिर एस्कॉर्बिक एसिड और आयरन में तो किसका आ गया यहाँ पे सही आंसर क्या आ गया आयरन राइट क्वेश्चन थर्टी सेवन था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था हॉर्टिकल्चर में से क्वेश्चन था बिल्कुल बेसिक रत्ना वैरायटी का पूछ लिया मैंगो में और वो किसका क्रॉस है उसके पेरेंट्स के बारे में लिया. तो था आपके पास अरुण क्रॉस अल्फांसो ऑप्शन बी था ऑप्शन ऑप्शन डी था नीज किसकी रत्ना की और उसके पेरेंट्स की साहिल थर्टी सेवन का सी रंजीत सी नीलम क्रॉस अल्फांसो विकास बी तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी तो कौन है इसके पेरेंट्स रत्ना के नीलम क्रॉस अल्फांसो कैसे याद करना आपने इसको एस नार एन ए आर नीलम क्रॉस अल्फांसो क्या बना रत्ना और एक था डीएनए डीएनए क्या था बेसिकली डी से दशहरी नीलम क्रॉस अल्फांसो ठीक है नेक्स्ट था क्वेश्चन थर्टी ब्लैक हर्ट का पूछा है और क्या है वो किसका physiological disorder है Black heart के बारे में बिल्कुल simple question, बिल्कुल basic. तो ऑप्शन पास मैंगो ऑप्शन बी था टमैटो ऑप्शन सी था पटेटो या फिर ऑप्शन डी था ऑल ऑफ दीज ब्लैक हर्ट के बारे में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसका है हिमांशु पटेटो पटेटो ठीक है आप सब सही लिख रहे हो तो जो ब्लैक हर्ट है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसका पोटैटो किसकी वजह से होता है बेसिकली ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से राइट नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन एंड बल्क एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन किसकी बात कर रहा है पूछ रहा है कि जो कि फूड ग्रेन्स की प्रोक्योरमेंट स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है ऑप्शन ए था आपके पास स्टेट गवर्नमेंट ऑप्शन बी आई ए आर आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ Agriculture Research Institute, Indian Agriculture Research Institute, के आगे आपके पास? साहिल फोटिका डी हिमांशु एफ सी आई एफ सी आई ठीक है सही लिख रहे हो आप सब तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए एफ सी आई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया राइट तो जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो क्या है

फोर्टी वन का बी ठीक है तो वो कैसे करता है फ्रॉम आउटसाइड टू इन साइड लास्ट क्वेश्चन है वो है हनी की बात की है, और लैक की बात की है और ऑप्शन बी है ऑप्शन डी है नीस ठीक है, है, है आप सब सही लिख रहे हो तो वो क्या है बेसिकली कौन क्रिएट करता है इनको इंसेक्ट क्रिएट करता है कौन क्या चीज हनी भी सिल्क भी और लैक भी राइट सो ये सारे क्वेश्चन थे जो इफ्को मेन्स में अभी जो सैटरडे को एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे अगर आप में से आपने जिन्होंने भी इफ्को का मेन्स दिया है और कोई भी क्वेश्चन अगर रह गए हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है किसी कोर्स से रिलेटेड या फिर किसी भी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए ठीक है तो आप क्या है हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर क्या है आप गुरुकुल एग्री की साइट विजिट कर सकते हो ऑल्टरनेटिवली आप और क्या कर सकते हो गुरुगुल की एप है उसे आप डाउनलोड कर सकते हो So that's all in this lecture. Thank you so much. Have a nice day. God bless you.